अच्छा खासा प्लान था मेरा फ्रेंड्स लोगों के साथ क्लब में ब्रेकफास्ट करने का, पर नहीं, दीदी का ऑर्डर आया कि सबके साथ उनको ब्रेकफास्ट करना है। ऐसा क्या है आज? मेरा तो लंच तक सोने का प्लान था। डोर नॉप पे डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड भी लगा दिया था ताकि सर्वेंट्स डिस्टर्ब ना करें, लेकिन भाभी ने इधर बुला के मेरी नींद ही उड़ा दी। लेकिन ये अचानक हम साथ साथ है टाइप ब्रेकफास्ट करने का प्लान क्यों बना? क्या चल रहा है दीदी के दिमाग में? किसी को कोई आइडिया है? आजकल इस घर में किसी चीज का कोई आइडिया नहीं रहता मुझे। अरे भाभी, आपको ये सब बनने की क्या जरूरत है? बैठो बैठो, सर्वेंट्स है ना, उन्हें बोल देते। मुझे बुला दो, बता तो है ना, मुझे किचन में काम करना पसंद है, इसलिए सबके लिए आलू के पराठे बनाने लगे। वाओ, वैसे राम कहाँ है? कभी ब्रेकफास्ट टेबल पे लेट आता नहीं है वो? घर पे होगा तब तो आएगा ना ब्रेकफास्ट के लिए। वो बेचारा कल रात से ही गायब है। आई थिंक वो रिया वाला जो स्कैंडल चल रहा है ना एवरीवेयर, उसकी वजह से ना बहुत परेशान है वो, और शर्मिंदा भी है, इसीलिए शायद हमें अवॉइड कर रहा है। और प्रिया कहाँ है? उसको भी तो आना चाहिए था ब्रेकफास्ट टेबल पे। भाभी ने तो सबको बुलाया था ना टेबल पे। वो मैडम तो कल राम के जाने के बाद से शाम से गायब है, रात भर नहीं लौटी, पता नहीं कहाँ है, किसके साथ है। वैसे भाभी बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपकी बहू चूज करने में आपने चूक कर दी। शक्ल से तो एकदम सिंपल मिडिल क्लास की लगती है, लेकिन लक्षण देख लो। बेचारा हमारा राम, इसने तो फंसा लिया है हमारे भोले भाले राम को। प्रिया को तो ना पति की फिक्र है, ना इस घर की, ना सास की। दीदी, अब जब ये बात उठी गई है तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, प्लीज आप बुरा मत मानना। वो क्या है ना, हमें तो शुरू से ही प्रिया पे डाउट था, है कि नहीं? आपने देखा नहीं वो शादी को कितना कैजुअल ले रही थी? मतलब शादी के दिन भी वो अपने काम पे चली गई, ऊपर से ये रस्में रिवाज ये सब को लेके भी वो कैजुअली थी। शिवानी, तुम्हें याद है कि हमने प्रिया को कितना रिक्वेस्ट किया था वो रसोई के लिए? इट वाज हर फर्स्ट डे, उसमें भी तो उसने मना कर दिया ना दीदी, उस दिन भी काम पे चली गई। अब पता नहीं रोज रोज काम के बहाने लगा के कहाँ जाती है, किससे मिलती है। आपको तो पता ही है ना कि वो सोशल मीडिया पे न्यूज़पेपर में कैसे उसके फोटोज ट्रेंड कर रहे थे। आपको ना एक बार बैकग्राउंड चेक करना चाहिए था अच्छे से। मैंने तो उसे कभी इस फैमिली में इंटरेस्ट लेते हुए देखा नहीं है। मैं मानता हूँ उसके फैमिली के पास पैसे नहीं है ना, सही, कम से कम वैल्यूज तो डाल देते थे उस लड़की में। टिकते ही नहीं है घर पर। मुझे तो ये भी पता नहीं है कि हम सबके नाम उसे याद है या नहीं है। इतना बड़ा स्कैंडल हुआ है और ये मीडिया वाले के घर के बाहर से जाने को तैयार नहीं है, और ये लड़की है कि अपना मुंह नहीं खोल रही है, बता ही नहीं रही कहाँ जाती है, किससे मिलती है, क्या करती है। शहर में इज्जत है हमारी, और इस लड़की ने सब कुछ मट्टी मिला दी। किसी गैर आदमी के साथ पता नहीं क्या कर रही है, इतना बड़ा स्कैंडल कर रही है। मुझे तो ये तो मुंह से कहते हुए भी शर्म आती है। मुझे तो यकीन हो गया कि इसका पक्का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। दीदी, आपको याद है जिस दिन कपूर भाई साहब की बरसी थी, तो उस दिन वो उसने क्या किया था, वो मैसूर पाक और रजनीगंधा फ्लावर वो सब लेके आई थी ना, इट वॉज अ लाई। आई एम श्योर उसका ये बहुत ही पुराना चक्कर है। शिवानी, अब दीदी जो दिख रहा है वही बोल रही हूँ। बस तो भाभी प्रिया को करना चाहिए। भाभी बुरा मत मानिए, लेकिन मुझे लगता है आपको ये शादी तोड़ देनी चाहिए। ऐसी लड़की हमारे घर में कैसे रह सकती है? और अब तो मुझे उसके इंटेंशंस पे भी शक हो रहा है। भाभी, आप अपने प्रॉपर्टीज और गहने वहने भी इससे जरा दूर रखिएगा। गोल्ड डिगर है वो लड़की, और राम उसे भी कितना परेशान किया है इस लड़की ने, मतलब शादी के कुछ ही दिनों के बाद अफेयर। अब और क्या क्या सुनने मिलेगा? बस प्लीज प्लीज प्लीज।
तो सोच लिया करो बोलने से पहले। प्रिया इस घर की बहू है, अच्छी लड़की है वो, उसकी अपब्रिंगिंग भी अच्छी है और उसके पेरेंट्स ने उसे अच्छी बातें ही सिखाई है, उसकी आंखों में देखा है कितनी सच्ची है वो, कितना सेल्फ रिस्पेक्ट है उसमें। हो सकता है कि कोई कोई गलती हो गई हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसकी वजह से इतने सारे इल्जाम लगा रहे हो उस पे। एक बार उसे बात कर सकते हैं ना, उसका पॉइंट ऑफ व्यू जान सकते हैं कि वो क्या सोच रही है, क्या चल रहा है, लेकिन नहीं, बस उस पर इल्जाम लगा सकते हो। कितना प्यार करता है राम से, कितना ध्यान रखती है वो राम का, कितना ध्यान रखती है इस फैमिली का, मेरा। थोड़ा तो भरोसा रखो अंजू, बता देगी प्रिया, अभी नहीं बात करेंगे उससे, प्लीज। चले जाते तो अच्छा होता ना। मम्मा, नहीं, पापा, कहाँ आप दोनों? रितिका, पापा, क्या क्या हुआ? दी, क्या क्या दी, क्या हुआ प्रिया को? क्या हुआ? चीजू, दी को किसी ने किडनैप कर लिया। क्या? प्रिया, 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 अंजू, किडनैप? प्रिया को बचाओ। हाँ? क्या हो गया मेरी प्रिया को? ए, अरे क्या? ए, अंजू, मम्मा, ए, ए, रितिका, पानी ले। अंजू, 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 होश में आ जा अंजू। मम्मा, रितिका, प्रिया, रितिका, मम्मा, अरे सुसाब, ये न्यूज़ चैनल में क्या चल रहा है? हमारी प्रिया बेटी तो ठीक है ना? पता नहीं पाजी, हमें भी अभी खबर मिली है। रितिका, पता भाभी जी को क्या हुआ है? अंजू बेहोश हो, अंजू, मम्मा, अंजू ठीक है? ठीक हो प्रिया? क्या हो गया प्रिया को? क्या हो गया मेरी बेटी को? संजू से कुछ हो गया तो चलो प्रिया, रितिका, क्या हो गया प्रिया को? तुम्हें किसने बोला? कहां से पता चला तूने? अंजू सब्र करो, प्रिया को कुछ नहीं होगा। हा? अभी तो उसको डांटने की तैयारी में थे, अब पैनिक कर रही हो। देखो प्रिया क्या कहती है, हमेशा अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है ना। हा? तो भरोसा रखो, प्रिया को कुछ नहीं होगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा, अभी अभी तो उसकी नई जिंदगी शुरू हुई है, अभी तो शादी हुई थी उसकी, तो फिर ये सब क्यों हो रहा है उसके साथ? कितनी स्ट्रगल्स देखी है मेरी बच्ची ने बचपन से, उसके साथ हमेशा प्रॉब्लम ही रही है बेचारी के। क्या हो गया? क्या दुश्मनी हो सकती है राम और प्रिया के साथ किसी की? और शालिनी जी, उनका क्या हाल हो रहा होगा? संजू, मेरी प्रिया, हे भगवान, ये तू क्या कर रहा है? क्यों कुछ नहीं रहने देता मेरी बच्ची को? अंजू संभालो खुद को, देखा अगर मेरी प्रिया को कुछ हो गया ना तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। पापा प्लीज, आप तो हिम्मत रखिए, अभी तो हम मम्मा को समझा रहे थे। प्लीज सुनो, आप दोनों स्ट्रेस लेना बंद करो, पुलिस ढूंढ रही है ना उन्हें, हाँ देखना वो यू ढूंढ के निकाली उन्हें। और राम जीजू है ना? हाँ मम्मा, देखो जब तक जीजू है ना साथ में दी के, उनको कुछ नहीं होगा। दी के सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन ही तो जीजू है ना? हाँ, तो बस हमें बस हिम्मत रखनी है, हमें स्ट्रॉन्ग रहना है। हाँ? करेक, कुछ नहीं होगा उन्हें। करेक्ट, रितिका सही कह रही है, हमें स्ट्रॉन्ग रहना है अंजू, हमें पैनिक नहीं करना है। हा? प्रिया अच्छी है, अच्छे के साथ हमेशा अच्छा ही होता है, तो वैसे ही होगा। देखो मुझे यकीन है, मुझे यकीन है प्रिया हमारे पास वापस आ जाएगी पक्का। हाँ प्रिया, अंजू प्रिया, जी कमिश्नर सर, सर प्लीज सर, इस केस को टॉप प्रायोरिटी ट्रीटमेंट दीजिएगा सर, प्लीज सर जी, थैंक यू। हाँ हाँ लीजिए सर, इंस्पेक्टर से बात कीजिए। कमिश्नर सर, देन सर, सर हमने ऑलरेडी इस केस को हाई प्रायोरिटी पर रखा है, हमारी बेस्ट टीम इस पर काम कर रही है। राइट सर, आई कीप यू अपडेटेड। देन सर, सर आप अपनी पूरी टीम को यहीं पर ले आइए ना, हमारा कॉन्फ्रेंस रूम यूज कर सकते हैं आप, सारा सेटअप यहीं कर लो, और इफ यू नीड एनीथिंग यू कैन लेट मी नो। सर आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या, आप क्या करने वाले हैं? देखिए सबसे पहले तो हम मिस्टर राम और प्रिया का फोन ट्रेस करेंगे, एटलीस्ट उनकी लोकेशन पता चल जाए। ये सब कैसे होगा? राम की तो किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं है, तो किसने किया, क्यों किया? देखिए वो भी पता चल जाएगा, सबसे पहले मैं मिस्टर राम के प्राइवेट रूम को चेक करना होगा। चलिए सर मैं आपको दिखाता हूँ, जल्दी पूरा ऑफिस चेक करो और कुछ भी मिले तो मुझे तुरंत बताओ।
सर सर, इस ग्लास में से अजीब सी बदबू आ रही है। ये शराब की बू नहीं लग रही। एक काम करो, इसे ये टेस्ट के लिए भेजो और फिंगरप्रिंट्स भी चेक करवाना। हो सकता है राम और प्रिया के अलावा उस कमरे में कोई और भी हो। ओके सर, भेजो। सर ये आ गए। तुमने राम और प्रिया को आखिरी बार कब देखा था? कल रात को सर, करीब कुछ 10 बजे होंगे। राम सर ने सबको घर भेज दिया और कहने लगे ऑफिस में अकेले ही रहना चाहते हैं। और तुमने? सर मैं कल मेरा काम कर रहा था और फिर राम सर आए, उन्होंने मुझे बाहर जाने के लिए कहा तो मैं चला गया, लेकिन जब तक मैं था तब तक प्रिया मैम नहीं आई थी। ओके, नोट करो। तो मैडम आपने मिस्टर राम और प्रिया को आखिरी बार कब देखा था? मैं आई थी कल रात को एक्चुअली राम से मिलने, लेकिन सर वो बहुत गुस्से में था तो इसलिए। गुस्से में क्यों? हाँ, वो आई थिंक प्रिया से गुस्सा था, प्रिया ने कुछ ऐसा किया था जिससे वो बहुत नाराज था, तो मैं उससे बात कर ही रही थी लेकिन तब प्रिया आ गई और फिर उसका गुस्सा और बढ़ गया तो उसने मुझे जाने के लिए कहा, फिर मैं चली गई थी सर से। ओके, नोट करो, हस्बैंड और वाइफ में झगड़ा था। अरे सर ऐसी कोई बात नहीं थी सर, झगड़ा किस कपल में नहीं होता, बस उसी तरह छोटी मोटी लड़ाई थी दोनों के बीच में और कोई मेजर नहीं था सर। अभी अभी तो दोनों की शादी हुई है सर, दोनों एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और दोनों अभी अभी तो उन्होंने कहा कि मिस्टर राम गुस्से में थे और उनमें लड़ाई हुई। सर कृति को सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।